450 रन है कम, शार्दुल ठाकुर दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया को इंडिया का दम। 450 रन भी चेस करने का कर डाला है दावा। WTC फाइनल में शार्दुल ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया को है ललकारा। टेस्ट का महामुकाबला जारी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के द ओवल में टेस्ट का ताज पहनने के लिए जंग लड़ी जा रही है। वैसे 3 दिन का खेल खत्म होने के बाद अगर इस मुकाबले पर नजर डाली जाए तो टीम इंडिया बुरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भारत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से 340 रन पीछे है और उस पर हार का खतरा मंडरा रहा है। इन सब के बीच टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर बनकर उभरे शार्दुल ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर तहलका मच गया है। दरअसल शार्दुल ठाकुर ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का ओपन चैलेंज दे डाला है और शार्दुल ठाकुर का कहना है कि हम 450 रन भी चेस कर डालेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 4th दिन का खेल शुरू हो चुका है और शार्दुल ठाकुर ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को खुलेआम चैलेंज दिया है। अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना चुकी ऑस्ट्रेलिया को शार्दुल ठाकुर ने कहा है कि इस मैदान पर सिर्फ एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, जिसके बाद 450 या फिर उससे भी ज्यादा रन क्यों ना हो, टारगेट का पीछा आसानी से किया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर ने कहा, क्रिकेट ऐसा खेल है जहां कुछ भी हो सकता है। टेस्ट में ये बोलना मुश्किल होता है कि अच्छा टोटल कौन सा है। एक बड़ी साझेदारी के बाद आसानी से चेज भले ही लक्ष्य 450 या उससे ज्यादा का हो। बताते चले, शार्दुल ठाकुर ने भारतीय टीम के लिए पहली पारी में शानदार अर्धशतक जड़ा था और इस दौरान उन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 100 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी की थी। शार्दुल ठाकुर और अजिंक्य रहाणे की बदौलत ही भारतीय टीम 296 रन बनाकर फॉलो ऑन से बच पाई थी। वैसे आप जानकर दंग रह जाएंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के शानदार गेंदबाजी अटैक का सामना करते हुए शार्दुल ठाकुर ने द ओवल स्टेडियम में अर्धशतक जड़कर एक ऐसा कीर्तिमान हासिल किया है जिसने उन्हें सर डॉन ब्रैडमैन और एलन बॉर्डर जैसे दिग्गजों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल शार्दुल ओवल के मैदान पर लगातार 3 अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे मेहमान बल्लेबाज बन गए हैं। शार्दुल से पहले ये रिकॉर्ड केवल 2 बल्लेबाजों के नाम था, डॉन ब्रैडमैन जिन्होंने 1930 और 1934 के बीच ओवल के मैदान पर लगातार अर्धशतक जड़ा था, और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बॉर्डर जिन्होंने 1985 और 1989 के बीच इस मैदान पर 3 अर्धशतक बनाए थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया WTC फाइनल जीत पाएगी या फिर नहीं, और कौन सा खिलाड़ी रखेगा जीत की नींव? विराट कोहली, रोहित शर्मा, रहाणे या शार्दुल ठाकुर या फिर कोई और? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।